खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अफगानिस्तान में तालिबान की तलवार के सामने पत्रकारों की कलम तन कर खड़ी है। अफगानिस्तान के पत्रकार तालिबानी खतरे का सामना करते हुए आतंकवाद की असली तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन क्रूर और बेरहम तालिबान नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके जुल्म की कहानी को देखे और सुने। उसे सच्चाई से चिढ़ है और पत्रकारों से नफरत। इसीलिए तालिबान अफगानिस्तान की मीडिया की आवाज को कुचलने पर आमादा है। तालिबान के इस आतंक के सबसे बड़े गवाह हैं सहर नासरी, जिन्हें तालिबान से जान का खतरा है। नासरी अब भारत में शरण लेना चाहते हैं। सहर नासरी अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल RTA यानी रेडियो एंड टेलीविजन अफगानिस्तान के पत्रकार हैं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। उस दिन काबुल में लोगों ने सड़कों पर निकलकर स्वाधीनता का पर्व मनाया और अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा करने वाले तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर इस्लामी झंडे को अपना लिया है, लेकिन उस दिन काबुल में सैकड़ों लोगों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च निकाला। सहर नासरी भी उस दिन काबुल में स्वतंत्रता दिवस को कवर कर रहे थे, तभी तालिबान के आतंकवादियों ने आजादी का उत्सव मना रहे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। बेकसूर लोगों से मारपीट की गई। वहां मौजूद पत्रकार भी तालिबानी आतंकियों के निशाने पर, उनसे भी मारपीट की गई। नासरी का कैमरा तालिबानियों ने तोड़ दिया। इस घटना में नासरी को गहरी चोट आई थी। नासरी ने ये बात जी न्यूज को बताई थी। टुडे आई वेंट टू फॉर सेलिब्रेटिंग ऑफ 19 अगस्त टू टेक कवरेज फॉर टीवी रिपोर्ट। फॉर टीवी रिपोर्ट आई हैड माय कंट्री फ्लैग विथ मी। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंट डे। Suddenly, Taliban attacked on me and fired an air and beat me. We don't know about our future. What will be the final of the exchanging of power? It can be dangerous for women, children, and journalists. नासरी पर हमले के बाद भी तालिबानी आतंकी नहीं रुके। अब नासरी और उनके परिवार को आतंकवादी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे डरकर सहर नासरी ने भारत सरकार से पनाह मांगी है। सहर नासरी ने भारत सरकार के ई वीजा पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है। जी न्यूज से बातचीत में नासरी ने उम्मीद जाहिर की कि भारत में उन्हें और उनके परिवार को शरण मिलेगी और उनकी जिंदगी बच जाएगी। I love my country. I born here and also studied here. I want to work for our people, for our country. But situation is not good now here for journalists. And I want to help from Indian government. So my life in my family in dangers. Taliban want to kill me. गौर करने लायक बात ये भी है कि सहर नासरी अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल के पत्रकार हैं और अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। इसके बावजूद तालिबान के आतंकवादी सरकारी मीडिया के पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। इससे जाहिर है कि तालिबान मीडिया की आजादी का दुश्मन है, चाहे वो सरकारी मीडिया संस्था हो या फिर प्राइवेट। वैसे जो लोग अफगानिस्तान के हालात से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पत्रकारों पर हमला कोई नई कहानी नहीं। ये है अफगानिस्तान के पत्रकार जमशेद, जो अब दिल्ली के भोगल इलाके में छोटी सी दुकान चलाते हैं। जमशेद का कसूर बस इतना था कि ये अपनी रिपोर्टिंग से तालिबानियों की क्रूरता की पोल खोल रहे थे। इससे नाराज तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी के जासूस जमशेद की जान के पीछे पड़ गए। कई बार उन पर काबुल में हमला भी हुआ, जिसके बाद जमशेद 2015 में भागकर भारत आ गए। जब तालिबान उस टाइम अफगानिस्तान में था तो हालात उधर बहुत ज़्यादा सीरियस था। लोग भी उतना ज़्यादा, जो तालिबान का गवर्नमेंट तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में बाहर गया था, ऐसा जो आया इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग आया था। हमारा जो अभी तकरीबन 4 साल हुआ कि मैं इधर इंडिया में हूँ,
एक्चुअली उधर भी उस टाइम हमारा भी कुछ इसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने आया था इधर इंडिया में। जमशेद कहते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को इतना ताकतवर बनाया कि आज अफगानिस्तान उसकी गिरफ्त में है। तालिबान के सर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कल क्या करेगा इन लोग, कोई भरोसा उन लोगों के सर पर नहीं है तालिबान के सर पर। और ये जो हम ज़्यादा जो डरता है ये पाकिस्तान की वजह से डरता है। जो अभी अफगानिस्तान में जो हालात इतना सीरियस है ये बिल्कुल पाकिस्तान की वजह से है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस चौथे स्तंभ को ढहा दिया है। अफगानिस्तान में पत्रकारों पर हमला और पत्रकारों की स्थिति आज भारत में रहने वाले बुद्धिजीवी पत्रकारों के लिए एक उदाहरण है, जो हर मुद्दे पर भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कहकर भारत सरकार पर निशाना साधने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए शहर और जमशेद की स्थितियां बताती हैं कि लोकतंत्र का सच में खत्म होना क्या होता है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये अफगानिस्तान का एक जवान दिल्ली में बर्गर बेच रहा है। अफगानिस्तान का एक नेता मुल्क के हाल पर रो रहा है। अफगानिस्तान की महिलाएं अपने वतन नहीं जाना चाहती हैं। अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो भारत की राजधानी में हैं और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ये लोग पूरी तरह से बेचैन हैं। इन्हें अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ये लोग दिल्ली में कई सालों से हैं और अफगानिस्तान के हालात पर जी न्यूज़ के जरिए दुनिया से अपना दर्द इन्होंने कैसे साझा किया, सुनिए इन्हीं की जुबानी। केस जाने का तब कोई वो नहीं है, इरादा नहीं। बहुत बुरा हाल है, कोई बाहर नहीं निकलते, सब डरते हैं। अगर सुकून हो जाए, आराम हो जाएगी तो मैं जाऊँगी, अगर इस तरह हो जाएगी तो कैसे जाओ। बुरा आदमी भी बहुत है, लोगों पर जुल्म करते हैं, लोगों को जिसके घर में बेटी है, बहू है, उसको उठा के साथ में लेके जाते हैं। कभी नहीं जाऊँगी अगर इस तरह तालिबान नहीं तो। जिंदगी मुश्किल है मगर है तो सही, अफगान नहीं हिंदुस्तान है तो सही। A stitch against waste, a stitch for freedom. सिलाई आजादी के लिए, ये संदेश है सिलाई वाली का। सिलाई वाली दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर का नाम है, जहां 60 से 70 अफगानिस्तानी महिलाएं काम करती हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग तालिबानियों के डर से अपना देश छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से तालिबानियों के डर से वहां के नागरिक पलायन करके भारत भी आए हैं और उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो तालिबानियों के डर से, उनके प्रकोप से, उनके दहशत से भारत में उन्होंने शरण लिया हुआ है और यहाँ पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम कर रही हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के एक सेंटर की तस्वीर है, जहां पर अफगान से आई हुई महिलाएं काम करती हैं, अपना आजीविका चलाती हैं। ये अपने जो उनके पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो उनका काम है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, वो यहां पर काम करती हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लोग शरणार्थी हैं, तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर दिल्ली में आ बसे। कोई 5 साल पहले आया तो कोई 8 साल पहले। फिरोजा साल 2013 में दिल्ली आई थी। मैं 2013 में 2013 में क्या मजबूरी थी जो आपको अपना देश छोड़ना पड़ा? मजबूरी जैसा अब है, तालिबान ने कब्जा ले रखा है पूरा पूरा अफगानिस्तान को। उस टाइम भी अगर उनका कब्जा भी नहीं था, मतलब उनके लोग जैसा अफगानिस्तान में रहते थे, लोगों को तंग करते थे, जो गवर्नमेंट में काम करता था उनको भी तंग करते थे, जो मतलब अमेरिकन के उसमें काम करते थे उनको भी तंग करते थे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो हम दिन को चैन से रह नहीं सकते थे और रात को सो नहीं सकते थे, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। यहाँ पे हमारे जान को तो बिल्कुल सेफ्टी मिल गई है, बाकी हम आपके भारत से खुश हैं। हमें यहाँ पे जगह दिया, हम इनके लोगों से खुश हैं, ये लोग हमें प्यार दिया, हमें रहने का मौका दिया। शकीबा भी 2013 में भारत आई थी। उस दौरान अफगानिस्तान में जनता की चुनी हुई सरकार थी, लेकिन फिर भी तालिबान का प्रभाव बना हुआ था। शकीबा बताती है कि उनके चाचा ने उस रात 2 बजे उन्हें अपने गांव से काबुल पहुंचाया था, क्योंकि उनके गांव में तालिबान ने कब्जा कर लिया था। बहुत बुरा हाल है, कोई बाहर नहीं निकलते, सब डरते हैं, क्योंकि पिछली बार जो तालिबान आया था ना, तो बहुत बुरा किया था लोगों के साथ। जी हाँ, मैं किस तरह के जुल्म होते थे उस टाइम?
बहुत बहुत बुरा हाल था हमारा। जैसे हमारे गांव था 20 मिनट दूरी थी काबुल का, तो जब तालिबान ने हमारे गांव को कब्जा किया था तो हमारे घर में 5 लड़कियों तो मेरे साथ, तो मेरे चाचा ने हमको 2 बजे निकाल कर पारो से 4 घंटे के रास्ते में पैदल चलकर काबुल में आए हैं। डर की वजह से उन्होंने बोला था लड़कियों को लेकर जा रहा है। अच्छा, तो लड़कियों को वो उठा के कब्जा कर लेते थे? जी जी, हमारे गांव से भी 3 लड़की को लेकर गया था। उसी डर से तो मेरे चाचा ने आधी रात 2 बजे हमको निकाल कर काबुल लेकर आया था। तो पूरा पैरों में चाला पा रहा था, बहुत मुश्किल से हम पारों से काबुल आए। शकीबा बाकी अफगानी महिलाओं के साथ यहाँ सिलाई कढ़ाई क्रोशिया और बुनाई का काम करती है। इस सेंटर की शुरुआत बिक्षद्वीप मोइत्रा और उनकी फ्रांसीसी मूल की पत्नी इरीस ट्रिल ने दिसंबर 2018 में की थी। जब हमने शुरुआत की, हमने डिसाइड किया था कि हम कोई इस तरह की कम्युनिटी के साथ काम करें जो सस्टेनेबल इनकम जो दे सके, तो हमने डिसाइड किया हमारे अनुभव के हिसाब से कि अफगान महिलाओं के साथ करेंगे। शरणार्थी का जीवन बिता रही शकीबा, शरीफा और शबनम जैसी अफगानी महिलाएं वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन्हें लगता है तालिबान राज में महिलाओं का सांस लेना भी मुश्किल है। मगर उधर हालत बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा। हमें डरती हो कभी नहीं जाएंगे, बहुत डरती हो। हालत सही नहीं है, ज़िंदगी सही नहीं, काम नहीं है, कैसे जाओ, बहुत मुश्किल है। मैंने कभी देखा नहीं उन लोगों को रियल में, लेकिन सुना है कि बहुत जुल्म करते हैं लेडीज़ के ऊपर ज़्यादातर। अफगानिस्तान की महिलाएं आज़ाद रहना चाहती हैं, वो तालिबान के खौफ में घुट घुट कर मरना नहीं चाहती है। इसीलिए जो अपने मुल्क से बाहर है वो खुद को सुरक्षित मान रही है, और जो अफगानिस्तान में फंसी हुई है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। भावना किशोर, जी मीडिया, दिल्ली।